मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव, अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे। मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन। यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार, इस द्वंद से मुक्त हो जाओ, सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार, और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर। स्मरण रहे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है।